अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। आज हम लोग जा रहे हैं सवाबी की तरफ। अभी हम लोग खड़े हैं पेशावर मोटरवे के ऊपर, ये सामने ये टूर प्लाजा लेके आ गए। तो क्या कार्ड की जरा, तेरा कार्ड की जरा टूर प्लाजे वाला। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से है तकरीबन 75 किलोमीटर है। टाइम कितना लगेगा? घंटा लगेगा। यहाँ से घंटा लग जाएगा सवाबी टूल प्लाजे तक। हाँ। सही है। सवाबी मेन शहर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेन बाज़ार है सवाबी का। इस साइड पे आगे 1.5-2 किलोमीटर के बाद सवाबी यूनिवर्सिटी भी है मेन बाज़ार के अंदर। और इस साइड पे दोबारा मोटरवे की साइड जाएंगे, यूटर लेके आए। वहाँ से इस साइड पर आगे हम जाएंगे हंड म्यूज़ियम की तरफ। तू क्यों परेशान कर रहा भाई, आ जा, तुझे कबाब दिखाऊँ। किलो का कबाब भी है, 2 किलो का कबाब भी है। सवाबी के मशहूर चप्पल कबाब भी जी यहाँ पे। तू किसके साथ है? हमारा सेटअप है ना फिश का। अच्छा, तुम्हारा सेटअप है। ये फिश मार्केट है, सारा तुम्हारा है। ये दरियाई मच्छी है या वाली है? ये दरिया वाली है। ये वाली ये जो ऊपर कौन सी है? ये ग्रास फिश है। तो ग्रास का है। सवाबी आप आए, पहलवान जी के चप्पल कबाब जरूर खाए। पहलवान चपली कबाब। सवाबी इंटरचेंज से कितना अंदर आगे? चंद कदम आगे। नहीं, 1 किलोमीटर बनता है। एक चंद कदम। सही सही, चंद कदम। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारे 22 साल हो गए इसी जगह पे। इसी जगह पे। सही हो गया। हैंड म्यूजियम पहुंच गए अभी। ये मेन एंट्रेंस है। आज उदनान भाई आपको आज आसारे कदीमा का एक म्यूज़ियम दिखाते हैं। अब मुँह जैसा मर्जी बनाओ। अब तो हम आ गए। अब अंदर चल के देखते हैं कहीं कैसा है। अंदर ही आ रहा है। अंदर नहीं आना था। अंदर तो माल्टे के बागात भी लग रहे हैं। और साथ ही इसके बैक साइड पे इसकी दीवार के आगे दरियाए सिंध, वहाँ भी अभी हम इसके बाद वहाँ जाएंगे। जब तक आपको म्यूज़ियम की सैर करवाते हैं। इन द मेमोरी ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम। ये यहाँ खुदाई के दौरान एक घर भी मिला है। ये तो एक घर नहीं, बहुत घर हैं यहाँ पे। फिलहाल तो एक ही खुदाई के दौरान मिला है। कुआं उधर देखे सर जी, वहाँ पे वो सामने कुआं, उस साइड पे कुआं है और ये तोप है। इस दीवार के इस साइड पे कौन सा है? दरिया सिंध। ये दरिया सिंध है जी। यहाँ अभी हम जाएंगे थोड़ी देर तक। फिलहाल पानी बिल्कुल कम है क्योंकि सर्दियाँ हैं। गर्मियों में यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लेशियर का पानी बैक साइड से आता होता है, पीछे से पहाड़ों से। फिलहाल वो बिल्कुल बंद है। ये म्यूज़ियम है बाहर से। ये कंधारा मैप है। ये चुगाठे काफी पुरानी। ये
कंधारा गैलरी। कुछ आया पसंद? क्या हो रहा है हिंदू तहजीब से रिलेटेड काफी कुछ है यहाँ पे। सब यहीं से निकला हुआ है सब हमारे गांव से। अभी जब बारिश हो जाती है ना वो खेतों पे बहुत अच्छा तो पेड़ लगे साइंड गैलरी। जितने बर्तन हैं आपको चीजें नजर आ रही हैं ये सब यहीं से निकले हैं खुदाई से। ये बहुत तारीखी अहमियत की जगह है ये। हाँ यहाँ पे बहुत तहजीब का बहुत बड़ा रिच कल्चर है ये। बिल्कुल वो लोग ज्यादा आते होंगे। इंसान और पानी का ताल्लुक बहुत पुराना है। कंधारा और हांड की तहजीब में भी दरियाए सिंध का बहुत अहम किरदार है क्या आपने इस म्यूज़ियम में कोई ऐसे नमूने देखे हैं जो पानी रखने भरने और पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जाएं देखें सोचें और इन पे इसका नाम बनाकर यहाँ चिस्पा करें। ये कुराने मजीद के बहुत पुराने पुराने नुस्खे हैं यहाँ पे। तीन सौ तेरह एएच में ये 302 का है। ये अलमारी है इधर की। ये फिलहाल हम हुजरे में अभी। ये जो ये वाली चारपाइयाँ बनी हुई हैं ये गाय के चमड़े से बनी हुई हैं। ये उस वक्त की अभी तक अपनी हालत में ओरिजिनल हालत में। ये घड़े रखने के लिए इसी तरह ही बैठने के लिए। ये उनके जंगी औजार तीर कमान राइफलें चाकू हुक्का। ये चरखा
ये अलमारी है छोटी, ये उनके कपड़े जो वो, ये मैदानी है, ये इनके कपड़े हैं जो इनको यूज़ करते थे। कैलाशी लिबास में मलबूस, ये सवाती लिबास है और ये रिवायती लिबास। ये ज्वेलरी उस दौर की, ये जंगी साजो सामान है, MG1, LMG, एक नाली वाली बंदूकें हैं, नाली के जरिए भरने वाली बंदूकें, रवायती खाने वाले बर्तन, कालू खानी बर्तन, ये ढोल, आलाते मौसीकी, तबला, रुबाब, ये घड़ा, ये हारमोनियम, हिस्सा बनकर जंगी साजो सामान, मौसीकी के सामान। पूछना क्या भाई, तोड़ना है तो तोड़ लो, ज़्यादा ज़्यादा वो मना ही करेंगे। ये हंड म्यूजियम था जी आज का हमारा, ये बारिश का टावर भी लगा हुआ है, मनारी बन कुछ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है, सारे के धीमा से भरपूर था ये।
आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी अच्छी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे कंधारा आर्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मम्मी ऑफ 2021।